झींगा खाना कैसा है? मेरा भाई, मैंने कई बताया है कि मुझे इस पर खुद भी एतराज था कि झींगा मकरू है, लेकिन मैं जब बांग्लादेश के दौरे पे गया तो वहाँ बड़े बड़े उलमा हैं माशाल्लाह, जो फौत हो गए अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें फरमाए, और जो जिंदा है अल्लाह उनको सेहत आफियत दे और हर किस्म के शर से महफूज रखे। आजकल बड़ा इम्तिहान है वहाँ भी उलमा के लिए, हर जगह इम्तिहान। उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा ये झींगा, उन्होंने कहा नहीं ये मछली की किस्म है और हलाल। तो उसके बाद फिर मैंने उनके साथ बैठ के भी खाया कि जब उलमा कह रहे हैं, और फिर जितना मछली को बंगाली समझता है ना किसी का बाप भी नहीं समझता है, ये मछली की एक एक नस्ल को भी जानते हैं, एक एक किस्म को भी जानते हैं। जैसे अरब लोग थे ना, ये घोड़े और ऊंट को जानते थे, दूर से देख के बताते कि ये घोड़ा जो है ये अबलख जो है ये जवाद है सब्बाक है नहीं है, ऊंट को देख के कहते कि कैसा ऊंट है। फिर ऊंटों पर उनके इम्तिहान होते थे कि ऊंट वो हो जिसकी मुंह इतना पतला हो कि गिलास से पानी पी ले। अच्छा, हमारे यहाँ भी है रोही का इलाका जो है ना हमारा, उसमें भी ऊंट होते हैं बड़े ज़बरदस्त, और वो ऊंट इतने तेज होते हैं कि जीपें आपकी जो है ना फोर व्हील ड्राइव ये मुकाबला भी नहीं कर सकती। अच्छा, उन ऊँटों की एक बड़ी अजीब वसफ है, आप ऊँट में बैठ जाएं सफ़र कर रहे हैं, जब 100 मील पूरे हो जाएंगे ऊँट सांस खींचेगा कि अब 100 मील हो गया मैं थक गया।